अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने का मौका मिले, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतवार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200-500 हज़ार जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से चैनल की मदद किया कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नज़र, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल रियासत महाराष्ट्र का बड़ा खूबसूरत, बड़ा डेवलप्ड सिटी, बड़ा तरक्की याफ्ता शहर बारामती, जिसे शरद जी पवार, अजीत दादा पवार ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हिंदुस्तान का मॉडल सिटी के तौर पर बनाया है। और ये आज तक मैंने नहीं बोला था, मगर कल मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा है। मैं कल गुज़िश्ता कल बारामती में था। बारामती क्लब में हमारा वॉइस ऑफ मीडिया का राष्ट्रीय और राज्य का प्रोग्राम था, जिसमें नेशनल जिम्मेदारान और स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के तमाम जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में जमा थे। दो दिन की कार्यशाला चिंतन बैठक का, वॉइस ऑफ मीडिया का बड़ा शानदार प्रोग्राम था। पहले दिन तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन गुज़िश्ता कल यानी 12 मार्च को मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ हमारे संस्थापक अध्यक्ष संदीप जी काले और सारिका मैडम हैं, अनिल मस्के सर है, उन तमाम लोगों ने मेरा सत्कार सम्मान किया और वहाँ पर मेरी बाकायदा 10 मिनट मेरी बात भी हुई। तमाम ही पत्रकार हर ज़िले के वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा शानदार ये प्रोग्राम रहा। फिर दोपहर में 2 बजे के बाद हमें वहाँ से बारामती शहर घुमाने के लिए ले जाया गया, जहाँ पर हमने बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखी और हमने देखा कि हज़ारों लाखों लोगों को वहाँ पर शरद जी पवार और अजीत दादा पवार और उनकी फैमिली ने और उनकी पार्टी ने उस पूरे शहर में तकरीबन 17 से 18 बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर लाई है, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फराहम हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो बड़ा प्यारा शहर है। मैंने उस मौके पर बाकायदा हमारी टीम से कहा, पत्रकारों से कहा, कि जो मुल्क के अंधभक्त है, गोबर भक्त है, उनको बारामती में 2-3 दिन रखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे विकास किसे कहते हैं और विकास कैसे होता है। जी हाँ, तो बड़ा खूबसूरत वॉइस ऑफ मीडिया का ये शानदार प्रोग्राम बारामती क्लब में 2 दिन चलता रहा और बड़ा कामयाब रहा। आई ना दिन बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, हमारे हर दिल अजीज प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी कर्नाटक पहुँच चुके हैं, और जहाँ वो पहुँच चुके हैं, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्शन आने वाला है। तो कर्नाटक में भी इलेक्शन बस आने वाला है। बम्बई का म्यूनसिपल का इलेक्शन आने वाला था, इसलिए हज़रत ने एक ही महीने में 2-2, 3-3 दौरे बम्बई के कर लिए। जी हाँ, अब कर्नाटक का इलेक्शन आने वाला है। कर्नाटक हजरत पहुंच गए हैं, उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया है और रोड शो करने के बाद कई अहम मंसूबों का मोदी जी ने आगाज किया। लेकिन एक खास बात वहां पर नजर आई कि एक
बच्चा एक नौजवान काला टी शर्ट पहने हुए था। अब काले टी शर्ट से मोदी जी को बड़ा डर लगता है, तो जनाब काले रंग के खौफ से वजीर आजम मोदी के कर्नाटक दौरे पर सिक्योरिटी एहलकारों ने बकायदा उसकी काली टी शर्ट उतरवाई, क्योंकि हर जगह काले झंडे दिखाने वाले लोग मौजूद है, क्योंकि बीजेपी के काले करतूतों से लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई से परेशान हो चुके हैं, तो अब डर लगता है लोगों को, तो कोई काला टी शर्ट या काला शर्ट भी पहने तो सिक्योरिटी एहलकार उसका शर्ट या टी शर्ट उतरवा रहे हैं कि कोई ऐसा ऐसा करके मोदी जी को काला झंडा ना दिखा दे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मोदी जी को पूरी पब्लिक भी काले झंडे दिखाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे मोदी जी असर प्रूफ है, यानी किसी की भी बदतमीजी का उन पर असर नहीं पड़ता है, असर प्रूफ, जैसे घड़ी होती है ना वाटर प्रूफ, तो हमारे मोदी जी भी असर प्रूफ है। इसलिए सिक्योरिटी एहलकार अगर पूरा मजमा भी अगर मोदी जी को काले टी शर्ट और काले झंडे दिखाए तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए देखिए दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर में ऐसे कहूँगा जो आसाम से आ रही है। जी हाँ, अब देखिए ये भी हमारे मोदी जी के साथ ही है, आसाम के वजीर आला है, सीएम है, हाई कोर्ट ने इन पर इनको लताड़ा फटकार लगाई कि तुम्हारी जो हिटलराना अंदाज है बुलडोजर वाला, क्योंकि अभी योगी जी से वो बुलडोजर वाला आतंक शुरू हुआ था और अब जहाँ जहाँ बीजेपी पहुँच रही है वहाँ बुलडोजर भी पहुँच रहा है। जी हाँ, विकास तो हो रहा है विनाश की राजनीति हो रही है। अब आसाम में हाईकोर्ट की फटकार के, हाईकोर्ट के थूकने के बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जी हाँ, आसाम के सीएम का ओहदा संभालने के बाद आसाम में बुलडोजर के जरिए बिल्डिंगों को गिराने की का काम करना आम हो गया है। बुलडोजर के इस रिवाज के हवाले से हाईकोर्ट की जानिब से फटकार लगाए जाने के बाद भी रियासती हुकूमत मानने के मूड में नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के लीडरान कोर्ट के आदेश की भी बेइज्जती कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोर्ट वोट सब खत्म हो जाए। आज ना दिन बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी अपने अपोजिशन तमाम लीडरों को दबाने, कुचलने, ईडी सीबीआई के जरिए से छू और धमकाने का काम कर रही है। जी हाँ, अगर कोई बोला, जिसने लिखा, तो उसके पीछे छोड़ दिया जाता है ईडी और सीबीआई को। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से भी दिल्ली शराब मामले में ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की और फिर वापस 16 मार्च को दोबारा बुलाया है। कविता ने अपने अब्बा हुजूर यानी सीएम वजीर आला को बकायदा ईडी ने जो कुछ भी पूछा है इससे बाखबर करवाया, वाकिफ करवाया। और जब कविता तेलंगाना पहुंची तो फिर उनके समर्थकों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, उनकी आरती उतारी यानी कविता की, और उनका हौसला बढ़ाया गया। गुज़िश्ता कल रात जब वो वहाँ पर आई अपने वालिद की क़यामगाह पर, उन्होंने अपने वालिद से यानी सीएम साहब से मुलाकात की और ईडी ने जो कुछ उनसे पूछगछ की वो सब वालिद साहब को बताया। कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेजाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिक्योरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है, अभी कांटेक्ट। आई रदिन उमेश पाल कत्ल केस मामला। जी हाँ, अतीक अहमद जिन्हें इसका अहम मुलजिम माना जा रहा है, अतीक अहमद और उसके परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म करने का ठेका यूपी सरकार ने ले लिया है और अतीक अहमद की बीवी यानी शाइस्ता परवीन पर भी अब बकायदा इनाम लगा दिया है। जी हाँ, इत्तला देने वाले को 25,000 रुपये इनाम और बेटा यानी अतीक अहमद के बेटे पर 2.5 लाख रुपये का इनाम ऐलान कर दिया गया है। इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की इत्तला देने पर 25,000 का ऐलान किया है। इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद पर 2.5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। यानी पूरी तरीके से इस मामले में अतीक अहमद और उसके परिवार को योगी आदित्यनाथ की पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ ख़त्म करना चाहते हैं। और अतीक अहमद ने ये बात कही है कि मेरा इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर सकती है और मेरा इनकाउंटर करवाया जा सकता है, और बकायदा कुछ अपोजिशन लीडरों ने भी इस बात का इजहार किया है। आइए ना दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हम जिन्स परस्त या हम जिन्स
शादियों को कानूनी तस्लीम करने की मुखालफत हो रही है। केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने हम जिन्स शादी को मंजूरी देने की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। मरकजी हुकूमत ने ऐसी तमाम 15 दरख्वास्तों की मुखालफत की जिनमें हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा किया गया है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा अपने हलफनामे में कहा कि हम जिन्स शादी को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ये एक खानदान के हिंदुस्तानी तसव्वुर के खिलाफ है। हिंदुस्तान में खानदान का तसव्वुर शौहर और बीवी और उनसे पैदा होने वाले बच्चों पर मुश्तमिल है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम अर्जियों को खारिज करने का डिमांड किया जो इस सिलसिले में दाखिल की गई है, और फिर केंद्र सरकार ने बाकायदा इन शादियों को कानूनी तस्लीम करने की मुखालफत की है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे प्यारे मुल्क की प्यारी सदर मोहतरमा द्रौपदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर खवातीन, अगर महिलाएं महफूज हैं तो मुल्क और समाज महफूज है। मुर्मू ने मीडिया से भी ख्वातीन के वक़ार के तई हसास होने की अपील की है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड वुमेंस डे, आलमी योम ख्वातीन मनाया गया। इस मौके पर सदर मोहतरमा ने बाकायदा ख्वातीन की हिफाजत और उनकी सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सुनो, अगर ख्वातीन महिलाएँ महफूज है तो फिर मुल्क और समाज महफूज है। लेकिन बदकिस्मती, इसे कहिए बुरी किस्मत हमारी, ये कहिए कि इन 7-8 सालों में जो सरकार आई है, जिसने महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ का नारा लगाया था, इन 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा बेटियों की इज्जतें लूटी गई, बेटियों का कत्ल और मर्डर हुआ है। इन 7 सालों में इतना बेटियों और महिलाओं के साथ इसका इस्तेसाल हुआ है और दुष्कर्म हुआ है जितना 70 सालों में नहीं हुआ था। इसलिए सदर मोहतरमा से हम अपील करते हैं कि सिर्फ बयान से काम न चले, बल्कि आप खुद उसमें इंटरफेयर करें और महिलाओं की हिफाजत का मजबूत सामान पैदा करें। आइए दिन रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से बड़ी बुरी खबर आ रही है। जहां नांदेड़ में एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर, डिलीवरी बॉय है, कंपनी में काम करता है जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह होती है या फिर पिज्जा वगैरह जो होती है, तो मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। हम उन्हें आतंकवादी ही कहेंगे जो सिर्फ मुसलमान देखकर मार रहे हैं। मौजूदा दौर में मुल्क में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर हिंदू आतंकवादियों की जानिब से जानलेवा हमले होने के वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया गुज़िश्ता कल नांदेड़ में भी पेश आया जिसमें शरपसंदों ने एक जोमेटो डिलीवरी कंपनी के एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय इमरान तांबोली को मुसलमान होने की वजह से जदोकोप किया, मारा पीटा और उस पर हमला किया। खैर, इस सिलसिले में एक आतंकवादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदीन, रियासत महाराष्ट्र के बुलडाना जिले से बड़ी खबर आ रही। बुलडाना जिले के शिवनी पिस्सा गांव में एक कार का टायर फटा जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और यह हादसा समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ है। 7 लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता कल एक शदीद हादसा समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर बुलडाना जिले के शिवनी पिस्सा गांव में एक कार के टायर फटने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही है। और समृद्धि हाईवे बना तो है लेकिन इसके रोड और इसके काम को लेकर बाकायदा अब लोगों में चर्चा है कि ये जो हाईवे है या जिस टाइप से ये बनाया गया है, इसमें टायर फटने के वाकयात बड़े पैमाने पर होंगे। लोग ऐसा आपस में बातें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2021 में भी बुलडाना में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर मजदूरों की गाड़ी पलट गई थी और इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। नाजी सब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, इसने यूपी में काबा गाकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का सत्यानाश किया, पूरी पोल खोल के रख दी। अब जनाब, नेहा सिंह राठौर योगी की दुश्मनी से कैसे बच सकती है? फिर योगी की पुलिस ने आखिर नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज भेज कर परेशान करना शुरू कर दिया। मगर अभी नेहा सिंह राठौर का बड़ा बयान आया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मैं
आखिरी सांस तक गाती रहोगी। न्यासिक राठौर ने अपने खिलाफ होने वाले जुल्मों पर एहतजाज किया, आंदोलन किया और बकायदा वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है और अच्छे अंदाज में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के कारनामों की पोल खोल रही है। जबकि इस वजह से उसके शौहर की भी बेचारे की नौकरी चली गई है और नेहा सिंह राठौर को भी परेशान किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस लेवल तक अपने पोजीशन को कुचलने का काम कर रहे हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।